हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमारा जो पहला लेक्चर था इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हमने बेसिक ओवरले ऑफ द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में आपको बताया, आप सभी को पसंद आया होगा। आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर इनपुट हैं, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। 2015 से जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट को आज हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है, जो डेडिकेटेड है मेनली नेशनल इनकम पर, सबसे पहले समझना जरूरी है कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों जरूरी है नेशनल इनकम को बेसिकली कैलकुलेट करना, मेजर करना, मापना। काफी पुराने समय से जब भी ये बात निकलकर आती है कि किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के, किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस को आप कैसे नापेंगे, कोई ना कोई पैमाना, कोई ना कोई बेसिकली आपको क्राइटेरिया तय करना ही होगा। और इसी डायरेक्शन में नेशनल इनकम को एक इंटरनेशनल बेंचमार्क के रूप में चूज किया सभी कंट्रीज ने, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कि हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को उसकी नेशनल इनकम में कितनी इंक्रीज हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है, उससे नापने की कोशिश करेंगे। और नेशनल इनकम होता क्या है, इसके कुछ क्राइटेरिया अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफाइन किए। मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम बेसिकली टोटल इनकम है जो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो रेजिडेंट्स हैं, उस टेरिटरी में जो बेसिकली रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में जनरेट करें। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, तो मैं कहूंगा क्या इंडिया की नेशनल इनकम कितनी रही 2021 और 2022 के बीच में, तो जो एक साल का पीरियड है, और जनरली ये पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और अगले साल के 31 मार्च पे खत्म होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। तो इस एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं, हमारी टेरिटरी में जितनी इनकम जनरेट करेंगे, उस सबको अगर मैं जोड़ दूं, उस सबको अगर मैं सम अप कर दूं, तो उसको इंडिया की नेशनल इनकम कहा जाएगा। इसका मतलब कि इंडियंस ने इंडिया की टेरिटरी में मिलकर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की, जितना भी बेसिकली मनी जनरेट किया या जितनी इनकम जनरेट की, वो टोटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर की इतनी रही। इसका मतलब इंडिया की उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली जनरल डेफिनेशन है। अब नेशनल इनकम के अलग अलग जो मेजर्स होंगे, जब हम उन पे बेसिकली जाएंगे, तो हम बहुत डिटेल में आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, जीएनपी का, एनएनपी का, उनमें अलग अलग एलिमेंट्स, इनपुट्स, क्राइटेरिया किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप कोई भी तरीका ढूंढ लीजिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, लेकिन नेशनल इनकम में जो बढ़ोतरी है, जो इंक्रीज है, जो ग्रोथ है, वो बेसिकली डिसाइड करेगी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही। अब हम बेसिकली चला जाए कि पहली बार नेशनल इनकम को प्रोग्रेस के इंडिकेटर की तरह कब चूज किया गया होगा। एक वाइल्ड गेस करिए, तो पहली बार जो इनकम है या नेशनल इनकम है, इसको प्रोग्रेस की तरह, कि ये किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस अगर हमें मेजर करना हो तो उसकी नेशनल इनकम को देखा जाए, उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद को देखा जाए, ये सजेस्ट किया गया 1934। और 1934 में ये सजेस्ट किया गया उस वक्त के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ द यूएस साइमन कुज़नेट। उन्होंने कहा कि जीडीपी को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, इसकी डेफिनेशन को, और जीडीपी के हिसाब से हर साल बेसिकली हम देखेंगे कि जिस कंट्री की जितनी जीडीपी बढ़ती है,
उतनी ही उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस मान ली जाए। और इस तरीके से जीडीपी एक अंडरलाइंग बेंचमार्क फाउंडेशन बन गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अब जीडीपी के भी कई फॉर्म्स हैं, डोमेस्टिक है, नेशनल है। डोमेस्टिक में जीडीपी कहेंगे और अगर हम उसका बेसिकली नेशनल देखेंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा जीडीपी के नाम से जैसा आपको सुनाई देता है कि ग्रॉस, तो एक कॉन्सेप्ट होगा ग्रॉस का और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा नेट का। और इस वजह से चार बड़े क्राइटेरिया निकलकर आ गए किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को कैलकुलेट मेजर करने के। जीडीपी जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद काफी डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, नेशनल इनकम किस तरीके से इसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, कई अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं और डिपेंडिंग करता है कि आप किसके पर्सपेक्टिव से उस कंट्री की जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में उसको आप देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। और इससे पहले कि हम वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको बताएं, पहले थोड़ा सा समझ लें कि मान लीजिए कोई भी कंट्री है उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से होते हैं, या किसी भी कंट्री, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, चाइना हो, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल्स या हाउसहोल्ड्स, मतलब कि हमारे जैसे लोग, हमारे जो घर होते हैं वो लोग। दूसरा बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट हैं, या इनको इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तीसरा है जो गवर्नमेंट है, और चौथा है फॉरेन नेशनल्स। अच्छा, ये बताइए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो प्लेयर्स कौन से होंगे जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डायरेक्ट डीलिंग करते होंगे, इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स एंड इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन नेशनल्स के बीच में। अब आप सोचिए, मान लीजिए आप सुबह उठे, आपको लगा मुझे टूथपेस्ट खरीदना है, या मुझे ब्रेड खरीदना है, या मुझे आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, पेन खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, स्लीपर्स खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं, एसी खरीदना है, लाइट खरीदना है, पंखा खरीदना है, कुछ भी आपको परचेज करना हो, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर शॉप पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर शोरूम पे जाएंगे, वहां से जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, आपके बजट में फिट बैठता है, उस प्रोडक्ट को आप वहां से बाय करेंगे, उस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे। तो कौन से ऐसे दो एंटिटीज हुई जो सबसे ज्यादा आपस में डील करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब हमारा घर या हाउसहोल्ड्स, और बिजनेसेस मतलब हमको जिस चीज की जरूरत है बिजनेसेस वो चीज क्रिएट करते हैं, हम अपना पैसा लेके जाएंगे, प्रोडक्ट वहां से लेंगे, बदले में उनको जो भी उसकी कीमत होगी हम वो पे करेंगे। तो इस वजह से मनी किस तरीके से फ्लो करती है, पैसा कैसे फ्लो करता है, प्रोडक्ट कैसे फ्लो करता है, इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। और इस सर्कुलर फ्लो में ये जो दो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड्स और बिजनेसेस फर्म्स एंड इन्वेस्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स माने जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये मैं ग्राफ की आपके सामने बात करूं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो गए, पहला हाउसहोल्ड्स मतलब जो नॉर्मल घर होते हैं लोगों के, दूसरा बिजनेसेस और फर्म्स। अब मान लीजिए किसी बिजनेस को कोई चीज बनानी है, मान लीजिए किसी को ब्रेड बनानी है, सीमेंट बनाना है, कार्स बनानी है, तो उसको क्या क्या चाहिए वो चीज उस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए या वो चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको लेबर चाहिए, उसको मजदूर चाहिए, उसको लैंड चाहिए स्टैब्लिश करने के लिए, उसको कैपिटल चाहिए, शुरुआत में पैसा लगाने के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, और उसके बाद वो रॉ मटेरियल अपना लाएगा, कैपिटल से लैंड उसका हो ही गया, लेबर उसको मिल ही गया। अच्छा, लेबर कौन सप्लाई करेगा, हमारे जैसे लोग, हाउसहोल्ड्स, और उसको जमीन कहां से मिलेगी, हमारे जैसे लोगों से ही, हमारी जमीन को एक्वायर करेगा, गवर्नमेंट एक्वायर करके देगी, खुद हो सकता है परचेज करे, और कैपिटल कहां से आएगी, जो पैसा हम मान लीजिए बैंक्स में सेव करते हैं, या आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं,
या गवर्नमेंट के पास बेसिकली देते हैं अलग अलग सेविंग सर्टिफिकेट से, और गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू इन इन्वेस्टर्स को देती है, या हम डायरेक्टली बैंक में जमा करते हैं और बैंक इन इन्वेस्टर्स बिजनेसेस को इंटरेस्ट पे देती है। तो अल्टीमेटली लेबर भी हम ही दे रहे हैं, लैंड भी हम ही दे रहे हैं, और उस कैपिटल भी हम ही दे रहे हैं। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर मतलब वो लोग जो फैक्ट्री लगाना चाहेंगे या लगाएंगे, उसमें जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व होंगे वो भी तो इन्हीं घरों में से बेसिकली निकल कर आएंगे। इसका मतलब जो चार इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो गए किसी भी बिजनेस के, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सभी लोग हाउसहोल्ड्स सप्लाई करेंगे बिजनेसेस को, और उससे एक मान लीजिए बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। मान लीजिए सीमेंट लगाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, कार बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई। अब ये बिजनेसेस क्या करेंगे? बिजनेसेस उस चीज को बनाएंगे। मान लीजिए कार बनानी थी, कार बना दी, टेस्ला की बना दी, हुंडई की बना दी, मारुति की बना दी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, यू नेम इट। और उसके बाद ये जो बिजनेसेस होंगे, जो इनका फाइनल प्रोडक्ट होगा, इस फाइनल प्रोडक्ट को किसको बेचेंगे? वो उन्हीं हाउसहोल्ड्स, मतलब हमारे घरों को ही बेचेंगे जिन्होंने उनको लेबर दिया, लैंड दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्रेन्योर दिए। उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद ये बिजनेस फर्म्स बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज उन हाउसहोल्ड्स को सप्लाई करेंगे। तो ये एक बेसिकली सर्कुलर फ्लो हो गया कि हम बिजनेसेस को लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल सप्लाई करेंगे, बिजनेसेस फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग ही कंज्यूम करेंगे। जब कार बन गई तो हम लोग परचेज करेंगे, ब्रेड बन गई तो हम लोग बेसिकली उसको यूज करेंगे, एग प्रोड्यूस हुए तो हम यूज करेंगे, सीमेंट बन गया तो हम अपने बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जो बिजनेस फॉर्म्स है, मान लीजिए आपने लेबर सप्लाई की बिजनेसेस को, तो बदले में आपको क्या मिला? आपको सैलरी मिलेगी, आपको वेजेस मिलेंगे। आपने मान लीजिए लैंड सप्लाई की, आपने लैंड सप्लाई की अगर परमानेंटली आपने बेच दी तो उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, या फिर अगर आपने लीज पे दी, आपने अपना वेयर हाउस लीज पे दे दिया, अपनी लैंड लीज पे दे दी, तो उसके बदले हो सकता है आपको रेंट मिले। और इस तरीके से जब आप कैपिटल सप्लाई करते हैं तो कैपिटल सप्लाई करने के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। अब मान लीजिए आप आईपीओ में आपने पैसा लगाया और उस कंपनी को दिया, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी आपको वापस देती है। इसका मतलब आप उस कंपनी को लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, और बदले में वो कंपनी आपको नौकरी पर रख के या आपकी लैंड लेकर या आपके पैसे को कैपिटल के रूप में यूज करके बदले में आपको वेज दे रही है, आपके जमीन या वेयर हाउस की रेंट दे रही है, और आपने जो पैसा दिया उसके बदले में आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट दे रहा है। और वो जो पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे से आप क्या करेंगे? उस पैसे से आप जो बिजनेसेस ने जो प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो कार बनाया हो, चाहे वो घर बनाया हो, चाहे वो ब्रेड बनाई हो, चाहे वो सीमेंट बनाए हो, चाहे वो रोड्स बनाए हो, उन चीजों को आप परचेज करेंगे अपने यूज के लिए। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, हाउसहोल्ड्स एक तरफ और बिजनेस फर्म्स दूसरी तरफ, ये एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं, एक सर्कुलर फ्लो में पैसा फ्लो होता रहता है। हम बिजनेसेस को लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं, बदले में बिजनेस फर्म्स हमको गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, बदले में बिजनेस फर्म्स हमको वेज देती हैं, रेंट देती हैं, इंटरेस्ट देती हैं, प्रॉफिट्स देते हैं। तो इस जब मनी फ्लो को एक बार आप इमेजिन कर पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब एक आदमी उसको इनपुट के रूप में दूसरे आदमी को देता है, उसके बदले में दूसरी जो एंटिटी है वो इस इनपुट के एवज में उसको किसी ना किसी फॉर्म में पेमेंट करती है। इसका मतलब अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं कि मैंने किस किस फॉर्म में इसको इनपुट दिया, या फिर उसके बदले, क्योंकि सेम वैल्यू की चीज ये मुझे रिटर्न करेगा किसी ना किसी फॉर्म में, वो हो सकता है वेज हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो या कंजम्पशन हो, दोनों ही हमेशा बराबर रहेंगी। कि भाई मान लीजिए मैं कार खरीदने गया, कार मान लीजिए 15 लाख रुपए की है, तो मैं अपना 15 लाख रुपए लेके गया, बदले में मुझे एक कार मिल गई। इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि वैल्यू क्या रही होगी पूरे इस ट्रांजैक्शन की, तो 15 लाख
या तो मैं कार पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं कि कितनी कार बेसिकली बेची गई उस डीलर द्वारा। मान लीजिए डीलर ने कार बेची 10, तो कितना हो गया 1,50,00,000। उसी तरीके से मान लीजिए 10 अलग अलग लोगों ने वो 10 कार खरीदी, तो उनकी जेब से कितना पैसा चला गया, 15 × 10 1,50,00,000। तो या तो आप डीलर की जो अर्निंग हुई उसको कैलकुलेट कर लें, या लोगों की तरफ से जो आउटगोइंग पैसा हुआ जो उन्होंने पे किया उसका सम कर लें, दोनों हमेशा बराबर ही बैठेंगे। तो इस वजह से डिपेंड करता है आप किसके पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं। आप हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं या फिर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं। आप दोनों के पर्सपेक्टिव से जो पर्सपेक्टिव आपको कन्वीनियंट लगे उस पर्सपेक्टिव से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल चाहे आप बिजनेस का टोटल कर लें या हाउस होल्ड ने जो पैसा दिया है उसको टोटल कर लें, दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। क्योंकि एक जो दूसरे को पैसा दे रहा है उसके एवज में दूसरा उतनी ही वैल्यू की चीज पहले व्यक्ति को दे रहा है, तो हमेशा इक्विलिब्रियम बेसिकली ये बना रहेगा। एक का आउटगोइंग दूसरे का इनकमिंग है, एक को आप लेबर कैपिटल रिसोर्स एंटरप्रेन्योर दे रहे हैं, तो दूसरा बदले में उसी वैल्यू का आपको वेजेस इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा चीजों को दे रहा है या गुड्स बेसिकली दे रहा है। तो इस वजह से अब आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कि वही पैसा घूम फिर के, वही लैंड घूम फिर के, वही लेबर घूम फिर के किसी ना किसी और फॉर्म में उन्हीं लोगों के पास आती है, फिर उसको वो यूटिलाइज करते हैं फिर से कुछ खरीदने में, जो चीज खरीदी जाती है उसके बदले में वेजेस वगैरह किसी और को मिलती है। ये पैसा इकोनॉमी में ऐसे घूमता रहता है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स और जो बिजनेसेस हैं इनके बीच में। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो तीन तरीके से हम सोच सकते हैं अगर हमको नेशनल इनकम मान लीजिए कैलकुलेट करना है। तो पहला तरीका प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड का मतलब है कि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि भाई पूरी इकोनॉमी में कितना बेसिकली पैसा या कितनी वैल्यू एड हुई होगी एक फाइनेंशियल ईयर में, जितने हमारे बिजनेसेस हैं उन्होंने जो भी पूरे साल में प्रोडक्शन किया होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स को जब आप मिला लेंगे तो हमारे बिजनेसेस ने जिस वैल्यू का प्रोडक्शन किया होगा उसको आप ओवरऑल जोड़ लेंगे तो वो भी नेशनल इनकम के बराबर आएगा। इसी तरीके से जब इन बिजनेसेस ने, इन सर्विस सेक्टर ने या हमारे फार्मर्स ने या हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने, टोटल सेक्टर ने जब वो चीजें बनाई उसके बदले में क्या हुआ होगा, उन्होंने किसी ना किसी को रेंट दिया होगा, किसी को तनख्वाह दी होगी, किसी को सैलरी दी होगी, किसी को वेजेस दिए होंगे, किसी को इंटरेस्ट दिया होगा, किसी को प्रॉफिट दिया होगा, तो इन सब की इनकम दी होगी जो इन्होंने चीज बनाई उसके सेम वैल्यू प्रोपोजिशन में। तो या तो हम इनका टोटल प्रोडक्शन जोड़ लें या इस प्रोडक्शन के बदले में जो लोगों को बेसिकली इनकम हुई है, जो पैसा मिला है, जो वैल्यू मिली है उसको जोड़ लें, दोनों बराबर रहेंगे। तो पहला मेथड हो गया हमारा प्रोडक्शन मेथड कि टोटल बिजनेसेस का प्रोडक्शन कितना रहा उस फाइनेंशियल ईयर में। और दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि प्रोडक्शन या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय मैं हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि इनके पास कितना पैसा आया बिजनेसेस से, जो इन्होंने काम किया, चीजें दी बिजनेसेस को उसके बदले, इसको हम कहेंगे इनकम मेथड। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो प्रोडक्शन मेथड, कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, और हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसको हम कहेंगे इनकम मेथड कि मुझे इनकम कितनी हुई बेसिकली। और जो तीसरा मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी एक्सपेंडिचर हो, खर्चा हो, कोई भी अपनी इनकम में से खर्च करे, वो एक तीसरा तरीका हो सकता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। मतलब सोच के देखिए कि मान लीजिए आपकी 100 रुपए की इनकम है, अब आप कोई भी चीज खरीदने जाए मार्केट में तो इन 100 रुपए में से ही आप बेसिकली स्पेंड कर सकते हैं। मान लीजिए 50 रुपए की आपने आज एक चीज खरीदी और 10 दिन बाद 50 रुपए में आपने दूसरी एक चीज खरीदी, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो आपकी टोटल इनकम थी उसके बराबर ही हुआ, इससे अलग नहीं हो सकता, इससे कम तो हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और जब आप मार्केट में अपनी इनकम से कोई चीज स्पेंड करते हैं उसके बदले में अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं,
तो उतनी ही वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद पाएंगे जितना आप स्पेंड कर रहे हैं। तो आपकी टोटल इनकम और टोटल इनकम के बराबर हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, और इस टोटल एक्सपेंडिचर से जो आप ओवरऑल वैल्यू खरीदेंगे चीजों की, प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की, वो बेसिकली हो जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट वैल्यू। इसका मतलब तीनों ही मेथड्स, चाहे हम टोटल प्रोडक्ट्स की बेसिकली टोटल वैल्यू ले लें, चाहे हम टोटल इनकम बेसिकली देख लें, या फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लें, तीनों ही हमेशा बराबर ही दिखाई पड़ेंगे। तो तीनों में से कोई भी मेथड बेसिकली हम यूज कर सकते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब जो फॉर्मर मेथड है, हमारा फर्स्ट मेथड है, उसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं, उसे हम आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी जो इंडस्ट्रीज है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हमारा जो बेसिकली इकोनॉमी है, उसका ओवरऑल आउटपुट है, उसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं या उसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी वैल्यू की कोई भी गुड होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना उसमें वैल्यू एडिशन होगा। और अगले कुछ स्लाइड्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक्चुअली वैल्यू एडिशन कहते किसे हैं। तो पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। और जो दूसरा मेथड है, जिसको हमने क्या कहा, उसको हमने बेसिकली कहा एक्सपेंडिचर मेथड या कंजम्पशन मेथड। और तीसरा इनकम मेथड। तीनों ही लास्ट में बराबर बेसिकली आएंगे, लेकिन जिस भी अप्रोच से आपका मन हो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, आप कर सकते हैं। अच्छा, 2015 जनवरी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, और उसके बाद बहुत डिबेट भी रही कि जिस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसका स्टाइल चेंज हो गया, उसका प्रिंसिपल बेसिकली चेंज हो गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक न्यू सीरीज नेशनल इनकम एस्टिमेशन को इंट्रोड्यूस किया जनवरी 2015 में। और ये जो नया तरीका है बेसिकली नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, ये जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं और जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA 2008 हैं, उसके बेसिकली करस्पॉन्डिंग है, उसके अधेरेंस में है, उन मानकों के बेसिकली अनुरूप है ये नया मेथड जनवरी 2015 का। इसको भी हम अगले कुछ समय में थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है जनवरी 2015 में, ये पुराने मेथड से किस तरीके से अलग है, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके डिफरेंसेस हैं। अब शुरुआत करते हैं। बात जब हमने ये समझ ली कि किसी भी कंट्री की अगर आपको ग्रोथ बेसिकली समझनी है, तो उसकी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। नेशनल इनकम आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, आप इनकम मेथड से कर सकते हैं, आप एक्सपेंडिचर मेथड से कर सकते हैं। अब इनमें से आप कोई भी एक मेथड चूज कर लें, तो सबसे पहले जो उस मेथड की नहीं भी एक मेथड को लेकर आप टोटल वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, उसको कहा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP। पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम को मैथमेटिकली या क्वांटिफाई बेसिकली आप कैसे करेंगे उसका। GDP का आपने लगातार नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में, टीवीज में, करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में, कि GDP बढ़ रही है, GDP घट रही है, GDP स्टैग्नेंट हो गई है, पैंडेमिक ने बहुत एडवर्स इफेक्ट किया GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब समझने की कोशिश की जाए कि GDP का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। तो जरा नाम को देखिए, तीन वर्ड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब है टोटल, ओवरऑल, इसमें किसी तरह का कोई घटत बढ़त नहीं है, ओवरऑल सारी चीजें इसमें इंक्लूड आप कर लीजिए, लेकिन कोई चीज घटाइए मत, क्योंकि ग्रॉस है। उसके बाद डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है कि इंडिया की जो टेरिटरी है, हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसमें रहकर जो भी बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज बने, प्रोड्यूस हों वो। और लास्ट है बेसिकली प्रोडक्ट, मतलब ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल हों, अब उनमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं किया जा सके। मान लीजिए TV है, तो आप जब फाइनल आपने TV बना लिया, उसको पैकेज कर लिया, तो इसमें अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता,
लेकिन वहीं आप सोचिए, मान लीजिए सिर्फ टीवी की स्क्रीन है, तो सिर्फ टीवी की स्क्रीन तो किसी काम की नहीं है, उसको फाइनल गुड्स और सर्विसेज नहीं कहा जा सकता। तो इसी वजह से आप जीडीपी को ओवरऑल जो टोटल वैल्यू है और जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर बने एक साल के पीरियड में, उसको हम कहेंगे, उस वैल्यू को हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जो एक साल की बेसिकली टाइम ड्यूरेशन है इंडिया में, उसको फाइनेंशियल ईयर के रूप में लिया जाता है। और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब कैलकुलेट होता है दोस्तों? यह कैलकुलेट होता है 1st of April से 31st of March। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 देखूं तो यह 1st of April 2021 से स्टार्ट होगा और 31st मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे एक साल में जितनी भी गुड्स, जितनी भी चीजें बने, कार हो, एसी हो, फ्रिज हो, फर्नीचर हो, फैंस हो, रोड्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी वैल्यू प्लस सर्विसेज हो, मान लीजिए आईटी रिलेटेड सर्विसेज हैं, मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सर्विसेज हैं, इनको मिला लें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिकली प्रोड्यूस को मिला लें, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मिला लें, तो उनकी जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी उसको इस फाइनेंशियल ईयर का, इस एक साल का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इन चारों कॉम्पोनेंट्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो भी आपको जीडीपी निकलकर आ जाएगी। अब ट्रेड बैलेंस इसलिए लास्ट में रखा जाता है क्योंकि कई चीजें आप इंडिया में बना तो रहे हैं लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यूज नहीं करेंगे इंडिया में। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकता है फॉरेन में बने, उसको आप इंपोर्ट करेंगे, हालांकि आपके खुद के कंट्री में वो चीजें नहीं बनी है लेकिन आपके खुद के लोग, आपके सिटीजन, आपके कंट्री मैन ही उन चीजों को यूज करेंगे दोस्तों। तो इस वजह से आप ट्रेड बैलेंस का बेसिकली नेट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, से फायदा क्या है? ये जो ग्रॉस है, ये ग्रॉस हमें देता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिकली सम टोटल, और डोमेस्टिक जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर बने, और प्रोडक्ट सारी फाइनल गुड्स एंड बेसिकली सर्विसेज। अगर कोई इंटरमीडिएटरी गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब उसमें अभी कुछ और बन सकता है, वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो उसको आप जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जीडीपी एक्चुअली है क्या। अब समझ लिया जाए कि जीडीपी के कॉन्सेप्ट के यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे जो कन्वेंशनल मेथड है कि जब भी आप ग्रोथ बेसिकली किसी कंट्री की कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी परसेंटेज चेंज होगा जीडीपी में उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस पर्टिकुलर एक साल में, उस कंट्री के जीडीपी में, उसको उस कंट्री की ग्रोथ रेट कहा जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में इंडिया का जीडीपी मान लीजिए 100 रुपीज था और वही बढ़कर 2021 और 22 में 107 रुपीज हो गया, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 7 रुपीज या 7% की बेसिकली बढ़ोतरी हुई। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आप क्या कहेंगे? 7% ऑफ कोर्स। और क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है कि पिछले साल 100 था, उससे बढ़कर 107 हो गया, तो इसको कहेंगे हम ग्रोइंग इकोनॉमी, बिकॉज हम पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। मान लीजिए पिछले साल 100 रुपीज था और वो घटकर इस साल 90 रुपीज ही रह जाता, तो बेसिकली उसको हम कहते रिसेशन में शायद इकोनॉमी आ चुकी है, या डेसिलरेटिंग बेसिकली इकोनॉमी, या नेगेटिव ग्रोथ रेट इकोनॉमी। तो ये जीडीपी हमें एक तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि कितनी वैल्यू, 6%, 7%, 8%, 10%, 15%, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्टैग्नेंट हो, इसको कैसे क्वांटिफाई करें, इसमें मदद करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्वांटिटेटिव बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी इंटरनली कितनी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखेंगे कि हमारा ग्रोथ रेट पैंडेमिक की वजह से -20% तक पहुंच गया था, तो आपको लगेगा, गवर्नमेंट को लगेगा कि हमें जल्दी ही ऐसे कदम उठाने होंगे, मेजर्स लेने होंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को या जीडीपी को फिर से ट्रैक पे लाया जा सके।
तो एक हमें क्वांटिटेटिव इंसाइट भी देता है कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है जा रही है। वहीं हम देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी पैंडेमिक में भी आई थिंक 2.3% से बेसिकली पॉजिटिवली ग्रो की। इसका मतलब चाइना ने हमसे बहुत बेहतर किया, यूरोप ने हमसे बेहतर किया, लेकिन उसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएट मेजर्स लेना शुरू कर दिया। और जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना रही उसमें बहुत फेज तरीके से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया गया कि एक बैलेंस डिसीजन हो सके हमारी ग्रोथ रेट को देखते हुए और हमारे जो हेल्थ केयर रिलेटेड मेजर्स हैं उनको बैलेंस आउट करते हुए। तो पहली बात तो ग्रोथ रेट के बारे में क्वांटिटेटिवली बताता है और दूसरा एक क्वांटिटेटिव इंसाइट देता है बेसिकली हमें हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी में। और जो तीसरा इसका यूज है वो है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF आप जिसे कहेंगे या वर्ल्ड बैंक, ये इस GDP को बेसिकली यूज करते हैं अलग अलग इकोनॉमीज को कंपेयर करने में, जिसको कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और IMF दो तरीके से कंपेयर करता है बेसिकली इकोनॉमीज को, एक तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जिसको कहते हैं कि रुपी की जो एक्सचेंज रेट है US डॉलर के मुकाबले उसमें इंडिया की इकोनॉमी जैसे आज की तारीख में रफली 2.5 trillion बेसिकली या 2.5 trillion dollars के आसपास इंडिया की इकोनॉमी है। US की इकोनॉमी कितनी होगी रफली 16 trillion, सिमिलरली चाइना की रफली 12 trillion। तो एक तरीका तो हो गया IMF का GDP को कैलकुलेट करने का या इकोनॉमी को कैलकुलेट करने का, वो है बेसिकली एक्सचेंज रेट पर। और दूसरा तरीका है GDP एट परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए इंडिया में 50 रुपए हैं और उसमें आप जाके मैकडोनल्ड्स में एक बर्गर खरीद सकते हैं, वही अगर आप US में चले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको $3 बेसिकली स्पेंड करने पड़े, जिनकी आज की एक्सचेंज रेट के हिसाब से वैल्यू रफली 200 रुपीज के आसपास है। मतलब US में जो चीज 200 रुपए की आती है इंडिया में वही चीज आप 50 रुपए में एंजॉय कर सकते हैं। और किसी भी इकोनॉमी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी वैल्यू हो आपकी करेंसी की या इकोनॉमी का स्टेटस हो उससे आप गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली ले सकें। इसका मतलब कि हालांकि एक्सचेंज रेट टर्म्स में एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया की इकोनॉमी 6th largest है 2.5 trillion dollars पे, लेकिन आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखें कि परचेजिंग पावर कितनी है हमारे रुपी की चीज खरीदने में, सेम चीज खरीदने में मार्केट से, तो इंडिया की इकोनॉमी 3rd largest बेसिकली मानी जाती है, समझी जाती है, जिसमें चाइना को नंबर 1 है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, US नंबर 2 है और इंडिया नंबर 3 है। और जो एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप GDP बेसिकली कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, उसके हिसाब से 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया उसमें भी अभी जो 5th और 6th largest है उसको बढ़ोतरी करते हुए 3rd largest इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा दोस्तों। और उसके बाद 3 बड़ी इकोनॉमीज चाइना, US और इंडिया, इसमें लगातार अगले कई डिकेड्स तक कंपटीशन चलता रहेगा। तो सभी को क्लियर हो गया GDP का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस ओवरऑल डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो बने प्रोडक्ट, कोई भी फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, उनकी टोटल वैल्यू एक साल के अंदर, इसको कहेंगे GDP। इसके फायदे क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ग्रोथ रेट आपको कैलकुलेट करना हो, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में आपको यूज करना हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक के थ्रू। अब GDP से ही डिराइव्ड एक और कॉन्सेप्ट देख लिया जाए तो ग्रॉस हो गया, तो ग्रॉस में से कुछ ना कुछ घटेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट। तो जैसे GDP हो गया, इसी तरीके से इससे आप ड्राइव करेंगे NDP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कैसे बेसिकली कैलकुलेट करेंगे कि जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए आप कार बना रहे हैं, आप मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, आप AC बना रहे हैं, आप फ्रिज बना रहे हैं, तो जब भी आप वो चीज बनाएंगे उसको बनाने में आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपके जो टूल्स हैं, उनका कुछ ना कुछ वेयर एंड टियर होगा, मतलब वो कुछ घिसेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ रिपेयर बेसिकली मांगेंगे, तो उनकी लाइफ बेसिकली खत्म होगी, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब आपने 100 रुपए की चीज बनाई तो उसकी ओवरऑल वैल्यू ठीक है 100 रुपए है, लेकिन यह भी हो सकता है कि 10 रुपए का उसमें वेयर एंड टियर, जिस भी टूल्स असेंबली लाइन, आपकी इंडस्ट्री, आपकी क्रेन्स, आपका टूल सेट, उसका वेयर एंड टियर हो,
वो भी तो बेसिकली उसमें लग गया। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी रह गई, 100 रुपए की चीज बनाई लेकिन 10 रुपए खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो नेट कितना हो गया, 100 माइनस 10 90 रुपीज। तो अगर आप जीडीपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अगर आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर बेसिकली एनडीपी। अब ये जो वेयर एंड टियर है या जो डेप्रिसिएशन है, इसको ह्यूमन बेसिकली साइंस एंड रिसर्च या नई नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हमेशा कोशिश करता रहा है कि इस डेप्रिसिएशन को कम से कम किया जा सके, ताकि हमारे जो टूल्स है, हमारी जो फैक्ट्री है, हमारे जो इक्विपमेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चल सके और डेप्रिसिएशन कम से कम बेसिकली हो। जैसे बॉल बेयरिंग्स आप देख लीजिए, अगर बॉल बेयरिंग्स नहीं हो तो फ्रिक्शन की वजह से आपका बेसिकली हो सकता है बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो, लेकिन बॉल बेयरिंग्स की वजह से वो कंजम्पशन काफी लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी बेसिकली काफी कम हो जाता है। गवर्नमेंट्स जो हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी में ये डेप्रिसिएशन कौन डिसाइड करता है कि कितना डेप्रिसिएशन होगा और किस सेक्टर में कितना डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा, कौन करता होगा ये डिसीजन? इंडस्ट्री खुद डिसाइड करती है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है? ये डिसाइड होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें हर साल बेसिकली जो डेप्रिसिएशन रेट्स हैं अलग अलग चीजों की, अलग अलग सेक्टर्स की, उनको अनाउंस किया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, जो रिहायशी घर हैं जिनमें हम रहते हैं, उनका डेप्रिसिएशन रेट है रफली 1% पर एनम, मतलब 1% बेसिकली उनका वेयर एंड टियर माना जाएगा एक साल में। इसका मतलब एक घर की रफली लाइफ स्पैन कितना हो गया, 100 ईयर्स में। अगर हर साल 1 रुपए की कमी आती है तो 100 साल में बेसिकली 100% उसका डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फैन, पंखा आप देखें तो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, हर साल 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% वो डेप्रिशिएट होता जाएगा। इसका मतलब 10-10 करके अगर आप जोड़ेंगे तो 10 साल के अंदर उसका 100% डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली डेप्रिसिएशन को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट से, MC21 के डेटा से आप लेते हैं और वही डेप्रिसिएशन आप उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज पे अप्लाई करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस बेसिकली डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हो सकता है कम हो जाए, लेकिन पहली बात जीरो नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आप कोई मशीन यूज करेंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे, प्लांट यूज करेंगे, फैक्ट्री यूज करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, चाहे वो आधा परसेंट ही हो, 1% ही हो। हो सकता है 4 साल पहले वो 8% था, आपने नई टेक्नोलॉजी से, बॉल बियरिंग से, ल्यूब्रिकेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा से उसको 8% से कम करके अब 3% कर दिया हो, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और जीडीपी में से आप हमेशा इसको घटाएंगे, तो जो जीडीपी होगा वो एनडीपी से हमेशा बड़ा होगा, या जो एनडीपी होगा वो जीडीपी से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि जीडीपी में से जब आप डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो आपके हाथ में निकलकर आता है बेसिकली एनडीपी। तो अब जैसा हमने जीडीपी के बेसिकली यूजेस देखे, आप सोच रहे होंगे एनडीपी के फिर क्या यूजेस हैं। एनडीपी पहली चीज हमें बताता है कि जो डेप्रिसिएशन की हिस्ट्री है इकोनॉमी में उसकी क्या पोजीशन रही। इसका मतलब 10 साल पहले किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मान लीजिए पंखों का क्या डेप्रिसिएशन था, कंप्यूटर का क्या डेप्रिसिएशन था, ट्रक्स का क्या डेप्रिसिएशन था, फ्रिजेस का क्या डेप्रिसिएशन था, और आज की तारीख में उनपे क्या डेप्रिसिएशन है। तो मान लीजिए आपको लगता है कि ट्रक्स पे 10 साल पहले 10% डेप्रिसिएशन था और 10 साल बाद आज की तारीख में उनका डेप्रिसिएशन बेसिकली कम होके 8% रह गया है, तो आप सोच रहे हो सिर्फ 10 साल में सिर्फ 2% ही हम डेप्रिसिएशन कम कर पाए। इसका मतलब लगता है कि हमारी इकोनॉमी ने, हमारे कंट्री ने, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, हमारी इंडस्ट्री ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना इन्वेस्ट नहीं किया, फोकस नहीं किया कि हम डेप्रिसिएशन को और ज्यादा कम कर पाए। वही मान लीजिए पंखों में जो डेप्रिसिएशन 10% था, आज से 10 साल बाद वो डेप्रिसिएशन कम होकर 4% ही रह जाए, तो आपको लगेगा इसका मतलब हमने फैंस बनाने की टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, ताकि जो डेप्रिसिएशन पहले 10% था अब घटके सिर्फ 4% ही हो गया है। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है उसका क्या अचीवमेंट है,
हमारे इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन में कैसे बढ़ रही है, इन चीजों के बारे में एनडीपी से हमको पता लगता है। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, तीसरा है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपीबी कहा जाता है। इसको भी आप ऐसे ही तोड़ लें, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब ओवरऑल, नेशनल प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या था, डोमेस्टिक, और यह है नेशनल। तो डोमेस्टिक में हमने कहा था कि जो इंडिया की बाउंड्री में जो चीजें बन रही हैं, और जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा कि इंडिया की बाउंड्री में तो है ही है, लेकिन बाहर से भी अगर कोई चीज आ रही है, कुछ पैसा आ रहा है, तो उस इनकम को भी आप जोड़ लें। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन यूएस में जाता है, सऊदी अरेबिया में जाता है, अफ्रीका में जाता है, वहां अपना बिजनेस डालता है या जॉब करता है, वहां से पैसा इंडिया वापस भेजता है, तो वो भी तो इंडिया के लिए एक इनकम का सोर्स है। इसका मतलब हमारी नेशनल इनकम में उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। तो इस वजह से जीडीपी का बड़ा भाई मैं जैसे कहूंगा, जिसमें आप बाहर से इनकम फ्रॉम जो अब्रॉड जिसको कहा जाता है, बाहर की जो इनकम है उसको भी आप अकाउंट में लेंगे। तो जीएनपी क्या करता है, जीडीपी के साथ साथ ये ऐड कर देता है जो कि ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको भी आप अकाउंट में ले लेंगे। और जो टोटल निकल के आएगा, बाहर से कितनी इनकम अंदर आ रही है, हमारे यहां से कितनी बाहर जा रही है, उसका जो नेट निकल के आएगा उसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जीएनपी का मतलब हो गया जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड के मेन बेसिकली क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, मोड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, प्राइवेट रेमिटेंसेस। प्राइवेट रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी आदमी, मान लीजिए इंडियन सिटीजन है, जैसे मैं भी आईएएस बनने से पहले इतने साल तक अब्रॉड में जॉब करता था, और मेरी जो सैलरी आती थी वो मेरे इंडियन बेसिकली बैंक अकाउंट में आती थी। अब जब इंडियन बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी आई है, तो मैं उसको इंडिया में ही खर्च करूंगा। हो सकता है मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूं, हो सकता है मैं कार खरीद लूं, हो सकता है मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लूं, तो अल्टीमेटली वो इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट हो रही है। तो ये जो प्राइवेट रेमिटेंसेस हैं, हमारे बिजनेस हो सकता है बाहर काम कर रहे हो, उनका जो प्रॉफिट हो उसका कुछ एक हिस्सा हमारे इंडिया में वापस आए, उसको हम कहेंगे रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस जो हैं, ये इंडिया के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम रहा है। इवन 1990 से आप देख लीजिए, और हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे 2010, खासतौर से गल्फ रीजन से इंडिया में बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, दुबई एटसेट्रा, कुवैत में बेसिकली जॉब करते हैं, वहां जॉब करने के एवज में उनको जो सैलरीज मिलती हैं उनको वो अपने इंडियन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। और 2019 की वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे रहा होगा इनवर्ड रेमिटेंसेस में, नंबर वन, रफली $80 बिलियन, और इंडिया के बाद चाइना रफली $67 बिलियन, उसके बाद मैक्सिको रफली $34 बिलियन, एंड देन फिलीपींस $26 बिलियन। तो पहला जो कंपोनेंट है जीएनपी का, कि जीएनपी हो गया जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड में पहला कंपोनेंट हो गया प्राइवेट रेमिटेंसेस, कि बाहर से बेसिकली जो पैसा आ रहा है, और दूसरा कंपोनेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। कि मान लीजिए हमने किसी कंट्री को, मान लीजिए मालदीव्स को, मान लीजिए श्रीलंका को, मान लीजिए नेपाल को, मान लीजिए बांग्लादेश को, मान लीजिए अफगानिस्तान को कोई लोन दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा, कि मूल पैसा तो हमारा खुद का था ही, हमने जो दिया वो वापस आ जाएगा, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट बेसिकली हमें मिलेगा वो भी तो हमारी इनकम हो गई दोस्तों। जैसे बैंक्स होते हैं, हम उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स उसको बिजनेसेस को बेसिकली लोन करते हैं, उससे जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक्स का इनकम में कैलकुलेट हो जाता है। तो जो एक्सटर्नल लोन्स हम दे रहे हैं उस पर हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमें जो दूसरे कंट्री एक्सटर्नल लोन देते हैं, मान लीजिए IMF हमें लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रहा है, उस पर हम जो इंटरेस्ट चुकाते हैं वो हमारे यहां से पैसा चला जाएगा। तो जो ये नेट है, मतलब हमने किसी को लोन दिया उससे जो इंटरेस्ट हमको मिला, और हमको किसी ने लोन दिया उस पर हमने जो इंटरेस्ट बेसिकली दिया, इसका जो नेट निकल कर आएगा इसको कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स। और इंडिया के केस में ये हमेशा क्या रहता होगा नेट, मतलब हमने पैसा दिया उस पर जो इंटरेस्ट आया, हमको पैसा दिया उस पर हमने इंटरेस्ट दिया, पॉजिटिव रहता होगा, नेगेटिव रहता होगा? इंडिया के केस में ये हमेशा
नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि इंडिया एक नेट बोरोवर के रूप में बेसिकली हमेशा से रहा है। मतलब हम बहुत ज्यादा लोन बेसिकली लेते हैं और उस पर हमें एक बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में हर साल चुकाना पड़ता है, चाहे वो IMF से हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, या और भी कोई बेसिकली इंस्टीट्यूशन हो सकता है। हम भी कई कंट्रीज को बेसिकली लोन देते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रांट्स के रूप में होता है, जिससे हमको इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती। तो पहला हो गया रेमिटेंस से जो पैसा आएगा, दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, और जो तीसरी चीज है वो है एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो जैसे हमने लोन्स दिए उसी तरीके से हम ग्रांट्स भी देते हैं और ग्रांट्स भी लेते हैं। ग्रांट्स का मतलब है कि उसको वापस चुकाया नहीं जाएगा। तो अगर इंडिया ने ग्रांट दी मान लीजिए $1 बिलियन की मालदीव्स को, तो मालदीव्स पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि उस $1 बिलियन को इंडिया को वापस करेगा। सिमिलरली अगर इंडिया को किसी ने ग्रांट दी, मान लीजिए US ने ग्रांट दी $10 बिलियन की, तो इंडिया उस $10 बिलियन को US को वापस नहीं करेगा। सिमिलरली जो UN बॉडीज हैं, UNDP, अलग अलग स्कीम्स में बेसिकली ग्रांट्स देते रहते हैं। अब जैसे हमने लोन्स की बात करी, तो हमने देखा कि जो लोन्स पे इंटरेस्ट हमको जो मिलता है वो कम मिलता है, हम जो देते हैं वो ज्यादा मिलता है, इसलिए नेगेटिव होता है। ग्रांट्स के केस में क्या होता होगा? ग्रांट्स के केस में इंडिया कहीं ज्यादा ग्रांट्स देता है, मतलब इंडिया दूसरों से इतनी ग्रांट्स नहीं लेता है, पहले लेता था जब डेवलपमेंट लेवल इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट अब इंडिया एक नेट ग्रांट गिवर के रूप में इमर्ज हो चुका है। मतलब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान का यहां केस ले लीजिए, हाल ही में $500 मिलियन का हमने मालदीव के साथ एक पैक्ट साइन किया है, बांग्लादेश के साथ हमने कई पैक्ट साइन किए हैं। तो ग्रांट्स के मामले में ओवरऑल हम ज्यादा ग्रांट्स देते हैं दूसरे देशों के मुकाबले जो हमें मिलती है। तो इस मामले में भी, ग्रांट्स के मामले में भी, हमारा जो आउटफ्लो है, जो हम देते हैं वो ज्यादा है, इनफ्लो है वो कम है। तो जो नेट होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब हमारी रेमिटेंसेस, बाहर से जो पैसा आता है, जो लोग बाहर जॉब करते हैं, वो हमारा पॉजिटिव है रफली $80 बिलियन। लेकिन जो सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है GNP के या इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, जैसे इंटरेस्ट है एक्सटर्नल लोन और एक्सटर्नल ग्रांट्स, ये दोनों ही कंपोनेंट जनरली नेगेटिव होंगे दोस्तों। और इस वजह से अगर आप जोड़ें GNP = GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बेसिकली रेमिटेंस, ग्रांट्स और लोन पे इंटरेस्ट, ये दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इंडिया के केस में जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो जनरली ओवरऑल अगर आप देखें, तीनों कंपोनेंट्स रेमिटेंस, लोन्स पे इंटरेस्ट और ग्रांट, इनका ओवरऑल टोटल जनरली नेगेटिव ही होता है। तो इंडिया के केस में GNP हो जाएगा GDP माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब हमारा जो GNP होगा वो हमेशा हमारे GDP से कम ही होगा। मान लीजिए सिचुएशन चेंज हो जाए, मान लीजिए इंडिया जब 2030 तक एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाती है या उसके बाद और आगे ज्यादा बढ़ती है, तो यह भी हो सकता है कि हम दूसरे कंट्रीज को लोन्स देना ज्यादा शुरू कर दें, जिसपे हमें एक मेजर चंक इंटरेस्ट के रूप में आने लगे। और ये जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी नेगेटिव है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव हो जाए। उस केस में इंडिया की GNP हो जाएगी GDP प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या है GNP के? GNP GDP के मुकाबले एक कहीं ज्यादा बड़ा एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और ये हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही इंसाइट्स देता है हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बेसिकली कर रही है। साथ ही साथ GDP जो हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बन रहे हैं सिर्फ उनके बारे में नॉलेज देता है, वहीं GNP डोमेस्टिक के अलावा जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, जो पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, रेमिटेंसेस हम बाहर भेज रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, लोन पे इंटरेस्ट हम बाहर भेज रहे हैं, ग्रांट बेसिकली हमारे पास आ रहा है, ग्रांट हम बाहर भेज रहे हैं, इन सभी चीजों को भी अकाउंट में लेता है। इसका मतलब ये जो इकोनॉमी की एक्सटर्नल स्ट्रेंथ है उसको भी बखूबी रिफ्लेक्ट करता है और हमारी इकोनॉमी का एक बेटर पिक्चर, बेसिकली क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करता है दोस्तों। इसके अलावा ये हमें जो हमारा प्रोडक्शन बिहेवियर है, पैटर्न ऑफ इकोनॉमी का, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम बाहर ज्यादा भेज रहे हैं और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं
जो बेसिकली हम ज्यादा ले रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड किस टाइप का है, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन से कंट्रीज में हमारे लोग जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रेमिटेंस दे रहे हैं, किस किस कंट्री को बेसिकली हम ग्रांट्स दे रहे हैं, किस किस कंट्री से हम बोरो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें जीएनपी मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ही पता चलता है दोस्तों। अब जैसे जीडीपी से जब हमने डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट किया, वेरेंट ईयर को सब्सट्रैक्ट किया, तो हमें मिला जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसी तरीके से जब जीडीपी से हमने डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, बेसिकली एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरीके से अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेट। इसका मतलब जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन से हमको मिल जाएगा एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन को इसमें आप अकाउंट में ले लेंगे दोस्तों। तो जो ये एनएनपी है, एनएनपी ने आपने क्या कर लिया, सबसे पहले तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज चाहे इंडिया में बनती हो बाहर बनती हो उसको अकाउंट में ले लिया, रेमिटेंसेस को आपने अकाउंट में ले लिया, आपने लोन्स और उस पर इंटरेस्ट को अकाउंट में ले लिया, आपने ग्रांट्स को बेसिकली अकाउंट में ले लिया, और आपने फाइनली डेप्रिसिएशन को भी अकाउंट में ले लिया। तो जो सबसे प्योर फॉर्म निकलती है हमारी नेशनल इनकम की, इसको कहा जाएगा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी वजह से अगर हम जब भी लेमन टर्म्स में बात करें नेशनल इनकम या कैपिटल एन और कैपिटल आई के साथ नेशनल इनकम, तो उसका मतलब होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब इसमें आपने सारी चीजें ले ली। जीडीपी में प्रॉब्लम क्या था कि सिर्फ आप डोमेस्टिक जो चीजें बनती हैं उन्हीं को लेते हैं और ग्रॉस है तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लेते, तो इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। फिर आपने जब डेप्रिसिएशन को अकाउंट में ले लिया तो जीडीपी से मिल गया आपको एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन उसमें भी एक इंपरफेक्शन है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक चीजों को ही अकाउंट में ले रहा है। तो आपने अपने होराइजन को ब्रॉड किया कि यार डोमेस्टिक तो ठीक है, इंटरनेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी अकाउंट में लिया जाए। तो फिर आप आ गए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम था, डेप्रिसिएशन को आप अकाउंट में नहीं ले रहे थे। तो जैसे ही आप जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम मिल जाएगा जिसको आप कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी। और दोस्तों इसी को हम कहेंगे नेशनल इनकम। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि इस देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है, जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम मुझे लगता है इफ आई एम राइट हियर आई थिंक 120,000 रुपीज पर एनम के आसपास अभी रफली होगी। इसका मतलब जो आप पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, ये जो एनएनपी है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। इसको जब आप कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो इससे आपको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम या इनकम पर हेड पर ईयर। तो दोस्तों ये सारी बेसिकली चीजों को अकाउंट में लेता है। और एक बड़ा कंपोनेंट है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन अलग अलग नेशंस अलग अलग बेसिकली फॉलो करते हैं जिसके लिए वो टोटली फ्री हैं। अब कई कंट्रीज किसी किसी सेक्टर में हो सकता है कि हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हो, किसी किसी कॉम्पोनेंट के लिए या किसी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, सेक्टर के लिए हो सकता है वो रिलेटिवली लोअर रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते होंगे। सारी कंट्रीज बेसिकली फ्री हैं क्योंकि सॉवरेन राइट है किसी भी कंट्री का कि वो कौन सी रेट अपनी यूज करना चाहते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये इन सबको कंपेयर करती रहती हैं कि जो कंट्रीज अपना डेप्रिसिएशन फिक्स कर रहे हैं कहीं कहीं वो आर्टिफिशियली हाई या लो तो नहीं है, वो रीजनेबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया अब एनएनपी का। अब थोड़ी सी हम बात कर लें जो हमारा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि जनवरी 2015 से जो नया तरीका, नई सीरीज इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेट करने की, वो बेसिकली मेथोडोलॉजी आखिर है क्या। उस मेथोडोलॉजी के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला एक बेस ईयर और दूसरा वो मेथोडोलॉजी है क्या। जो ये मेथोडोलॉजी नहीं यूज हो रही है, ये नेशनल अकाउंट्स और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस
इन दोनों ने कंबाइंड तरीके से बेसिकली डेवलप की है कि इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज किस इंटरनेशनल प्रैक्टिस के तहत अपनी जीडीपी बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, इंडिया को भी उसी तरीके से करनी चाहिए। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अटैच्ड है जिसको कहते हैं बेस ईयर। मतलब मान लीजिए 2021 में मैं हमारे देश की जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे यह बताना पड़ेगा कि आपने इस कैलकुलेशन को कौन से बेस ईयर पर आधारित किया है। हो सकता है वो बेस ईयर 2011 हो सकता है बेस ईयर 2001 हो सकता है बेस ईयर 2021 हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो भी बेस ईयर होगा, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या किसी भी सर्विस की कॉस्ट, उस साल जो बेसिकली उसकी कॉस्ट थी, वही आप लेंगे अपनी ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे 2021 में मैं आ गया तो मैं 2011 बेस ईयर क्यों मानूं? एग्जैक्टली इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि बेस ईयर हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि एक तो इकोनॉमी का स्टाइल चेंज हो सकता है। हो सकता है 5 साल पहले एग्रीकल्चर ज्यादा डोमिनेंट हो, अब सर्विसेज सेक्टर्स डोमिनेंट होना शुरू हो गए हों, या पहले मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अब बेसिकली एग्रीकल्चर ज्यादा डोमिनेट करने लग गया हो, या वाइस वर्सा। तो इस वजह से पीरियोडिकली बेस ईयर का रिविजन होना जरूरी है। साथ ही साथ प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगी, 2011 की प्राइसेस होंगी वो आज एप्लीकेबल नहीं होंगी, लेकिन 5 साल एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसको आप हर साल भी करने लग जाएंगे तो हर साल उसको एस्टिमेट ही प्रैक्टिकली आप नहीं कर पाएंगे, इससे पहले दूसरा साल आ जाएगा। तो अभी तक जो प्रैक्टिस चल रही थी कि हर 5 साल में बेस ईयर को चेंज किया जाता रहेगा और उसके हिसाब से जो हमारी टोटल कॉस्ट पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। जब भी हम बेसिकली नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, चाहे आप जीडीपी मेथड से करें, आप एनडीपी मेथड से करें, आप जीएनपी मेथड से करें, आप फाइनली एनएनपी मेथड से करें, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला कॉस्ट और दूसरा बेसिकली उसकी प्राइस। अच्छा, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट को बेसिकली कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, कोई भी सर्विस बनाएं, तो उसकी जो कॉस्ट बेसिकली पड़ती है उस फैक्ट्री को, मतलब उसमें हो सकता है इक्विपमेंट, उसमें हो सकता है लोगों को आपने जो वेजेस दी हो, तनख्वाह दी हो सकता है लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, इन सब की जो नेट कॉस्ट पड़ती है वो हो गई आपकी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को आप फैक्ट्री कॉस्ट के तौर पर भी याद कर सकते हैं। मतलब ये एकदम क्लीन कॉस्ट हो गई मेरी, कि अगर मैंने कार बनाई तो ये कार पड़ गई मुझे 12 लाख रुपए की, इसमें अभी मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें अभी मुझे अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली हो वो इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें मेरा अभी टैक्सेस बेसिकली इंक्लूड नहीं है। तो इस फैक्टर कॉस्ट को आप इनपुट कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो कॉस्ट है, किसी भी मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे, जब हमने कहा कि भाई जीडीपी क्या है, कि जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बन रहे हैं उनका ओवरऑल क्या उनकी वैल्यू है, तो वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, किसकी कॉस्ट ओवरऑल कितनी है, तो जो सबसे बेसिक कॉस्ट है, बेस कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो है बेसिकली फैक्टर कॉस्ट। मतलब ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है उसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। और एक कॉस्ट हो सकती है आपने लोन्स लिए हैं उस पर इंटरेस्ट आपका कितना जा रहा है, रॉ मटेरियल्स आपको कितने के पड़े, रेंट आपको कितना देना पड़ रहा है, पावर कंजम्पशन आपको कितना हो रहा है, लेबर आप जो हायर कर रहे हैं उसको कितना पे करना पड़ रहा है, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये मेरा हो गया फैक्टर कॉस्ट, और इससे जो निकल के आएगी बेसिकली उसकी कॉस्टिंग उसको आप कहेंगे फैक्ट्री प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन प्राइस। और इस वजह से मतलब प्रोड्यूसर को ये इतने रुपए की पड़ रही है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको आप बोलेंगे ये तो मेरा हो गया फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, अब नेक्स्ट होगा मार्केट कॉस्ट। मतलब मार्केट में कितने रुपए की बिकेगी, हो सकता है 12 लाख रुपए में हुंडई क्रेटा जो कार है उसको प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन मार्केट में हो सकता है जब फाइनली वो बेसिकली बाजार में पहुंचे या डीलर्स के पास पहुंचे तो आपको हो सकता है उसको 16 लाख रुपए देने पड़ रहे हो। तो ये जो 4 लाख का डिफरेंस है, 12 लाख किसको पड़ी लेकिन 16 लाख में वो बेच रहा है, उसको आप कहेंगे मार्केट कॉस्ट।
और इसमें आप जोड़ लेंगे जो इनडायरेक्ट बेसिकली कॉस्ट है उन सभी चीजों को। तो जब आप फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्सेशन को जोड़ लेंगे, और अगर आपको कोई सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट देती है कि अगर आप कार बना रहे हैं, हमें कार्स को प्रमोट करना है, जो भी कार बनाएगा और 10 से 15 लाख रुपए की जिसकी कॉस्ट होगी उसको 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी जाएगी। तो आप कहेंगे कि आपने टैक्स लगाया 3 लाख रुपए का, लेकिन 1 लाख रुपए की आपने मुझे सब्सिडी दे दी, तो ओवरऑल कितने की पड़ गई है? 12 लाख रुपए की फैक्टर कॉस्ट, और आपने 3 लाख रुपए का टैक्स और 1 लाख रुपए की सब्सिडी, तो 12 प्लस 3 माइनस 1, इसका मतलब टोटल पड़ गई मुझे ये 14 लाख रुपए की, और उसमें आप अपना प्रॉफिट फिर ऐड कर सकते हैं 1 लाख 2 लाख जो भी आपका मन करे। तो फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया, बेस्ड कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, और उससे डिराइव होगा बेसिकली मार्केट कॉस्ट। दोस्तों अब 2050 में जब हम लोगों ने, हमारे कंट्री ने या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्विच किया बेसिकली मार्केट प्राइस, कि जो हमारा बेस ईयर पहले 2005 हुआ करता था, अब बेसिकली वो बेस ईयर होगा 2011, ये 2011-12। तो एक मेजर चेंज तो ये हो गया, और दूसरा मेजर चेंज हुआ बेसिकली कि जिस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, उस पे एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए, जिसको कहते हैं बेसिकली GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। पहले हम बोलते थे GDP, और ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है 2015 से, जिसपे बहुत बार डिबेट भी हो चुकी है कि क्या हम ठीक तरीके से कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को या GVA को, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन जब कॉस्ट की बात हो गई तो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि नेशनल इनकम के साथ अटैच्ड है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं, वो है प्राइस। और प्राइस आप किसी चीज की दो तरीके से कर सकते हैं, एक कॉन्स्टेंट बेस ईयर पे प्राइस और एक करंट बेसिकली बेस ईयर पर प्राइस। मान लीजिए मुझे कार की वैल्यू बेसिकली देखनी है, तो मैं कहूंगा मुझे कॉन्स्टेंट बेस ईयर 2011 के बेस ईयर के हिसाब से आप मुझे कार की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए, और कार की वैल्यू 2011 के हिसाब से हो सकता है निकल कर आए 15 लाख। और एक मैं कहूं 2021 आ गया है, मैं 2011 के बेसिकली रेट्स पे क्यों कैलकुलेट करूं, मैं कैलकुलेट करूंगा 2021 के रेट्स पे। तो इसको कहा जाएगा करंट प्राइस पे, 2011 हो गया कांस्टेंट प्राइस पे, 2021 हो गया करंट प्राइस पे। फर्क क्या है दोनों में? अच्छा, 2011 और 2021 के बीच में क्या चेंजेस आए होंगे? एक बड़ा चेंज आया होगा इन्फ्लेशन का, महंगाई दर का। जो चीज आपको 2011 में हो सकता है 10 रुपए की मिल रही हो, अब हो सकता है वो महंगाई दर की वजह से हर साल 3%, 4%, 5% बढ़ते बढ़ते आज हो सकता है आपको 30 रुपए की मिलना शुरू हो गई हो। इसका मतलब कि कांस्टेंट प्राइसेस से करंट प्राइस की तरफ आप जब मूव करेंगे, तो करंट प्राइसेस इन दोनों सालों के बीच में या इन दोनों टाइम फ्रेम्स के बीच में जो भी इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा, उसको पूरी तरह अकाउंट में लेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है अभी तक का जो हमारा डिस्कशन रहा कि आप किसी कंट्री की ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हो गए हैं आपके, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद उन मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए आप उसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, जीडीपी के थ्रू या फिर एनडीपी के थ्रू या फिर जीएनपी के थ्रू या फिर एनएनपी के थ्रू। और जब आप ये चीजें कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आप कॉस्ट और प्रोडक्ट इसको बेसिकली अकाउंट में कैसे लेंगे, और आप जब प्राइस बेसिकली कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट प्राइस पे, पुराने प्राइस पे या करंट प्राइसेस पे, आज के प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लेता है, इन दोनों प्राइसेस पे आप किस तरीके से बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। मुझे लगता है अभी तक का डिस्कशन अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। अब जरा बात कर लें थोड़ा सा डिटेल में, जो जनवरी 2015 से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने नेशनल अकाउंटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हुए बेसिकली नया जो मेथोडोलॉजी यूज की है, उसको थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2016-17 में ये कॉन्सेप्ट रिलेटिवली बहुत नया था, और बहुत मेहनत लगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा जाए ताकि कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए दोस्तों। तो दो बेसिकली इसमें चेंजेस आए। पहला कि बेस ईयर, जैसा मैंने कहा कि 2015 से पहले
जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे तो उसका बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता था और वो बेस ईयर हुआ करता था 2004 और 5 के प्राइसेस। उसको अब चेंज करके 15 में 2004-5 के बजाय 2011-12 मतलब लेटेस्ट या और जल्दी की बेसिकली जो ज्यादा भी रीजनेबल प्राइसेस हो वो रिफ्लेक्ट हो सके। और ये हुआ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है या NSC कहा जाता है उसकी रिकमेंडेशंस पे, जिसको हर 5 साल में इस बेस ईयर को रिवाइज करने की रिकमेंडेशन देनी होती है। और दूसरा इसमें बेसिकली चेंज हुआ कि किस मेथड से बेसिकली हम कैलकुलेट करें। हम अब बेसिकली कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडिशन से, ना कि कॉस्ट और प्राइस से। अब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। अच्छा, जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है, हेडलाइन ग्रोथ रेट मतलब कि GDP 3% बढ़ी, 4% बढ़ी, 5% बढ़ी, वो GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस से बेसिकली कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। अब ये जो नया है जिसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड या GVA, ये सेक्टर वाइज एस्टीमेट निकाला जाएगा इसका, कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर में से भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का इतना होगा, IT का इतना होगा, मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना होगा, पावर प्लांट्स का इतना होगा, और उसको जब आप ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा कि एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी है उसका टोटल वैल्यू एडिशन कितना है। उसी को कहा जाएगा GVA, जो कि नई सीरीज है, नई तरीके से बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं 2011-12 को बेस ईयर मानते हुए। तो GVA सबसे पहले हम देख लें एट बेसिक प्राइसेस। GVA एट बेसिक प्राइसेस होगा CE प्लस OSMI, CFC प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। इसमें CE क्या होगा कि कोई भी चीज आप बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी आप लेबर लेंगे, आपके एम्प्लॉयज होंगे, उनको आप कॉम्पनसेशन देंगे, उनको तनख्वाह देंगे, तो CE हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा हो गया OSMI, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस, कि आपने बेसिकली कोई चीज बनाई उसमें आप प्रॉफिट अपना कितना जोड़ रहे हैं, मिक्स्ड इनकम आपकी कितनी हो रही है। तीसरा हो गया आपका CFC, CFC का मतलब है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, कि जब आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं उसमें मान लीजिए आपने असेंबली लाइन लगाई, उसमें आपने टूल्स लगाए, मशीन्स लगाए, इक्विपमेंट लगाया, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो हमेशा वहां रहेगा। जब आप उसमें से मान लीजिए कार अगर बना रहे हैं उन चीजों को यूज करके, तो उनका वारंटी ईयर होगा सारे इक्विपमेंट का, फैक्ट्री का, टूल्स का, असेंबली लाइन का, तो वो जो कंजम्पशन होगा इन फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड कैपिटल का, उसको कहा जाएगा CFC या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से आप GVA निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पर, तो ये हो जाएगा GVA एट बेसिक प्राइसेस। सबसे पहले आपने बेसिक प्राइस पे निकाल लिया, उसमें आप जो टैक्सेस बेसिकली आपके लग रहे हैं उनको आप घटा दीजिए, प्रोडक्शन टैक्सेस को घटा दीजिए, और आपको जो सब्सिडीज मिल रही है क्योंकि वो बेसिकली पैसा आपके पास आ रहा है और टैक्सेस आपके पास से जा रहे हैं, तो उसको आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम नेट देखें कि GDP और GVA का क्या रिलेशनशिप है, कि GDP GVA एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, मतलब GDP GVA एट फैक्टर कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बेसिक प्राइसेस पे निकालिए GVA, और उसमें आप टैक्सेस, क्योंकि आप देंगे गवर्नमेंट को प्रोडक्शन टैक्सेस, उसको घटा दीजिए, सब्सिडीज को आप ऐड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा GVA एट फैक्टर कॉस्ट। अब समझिए प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस दो अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब है कि आप कितनी भी चीज बनाइए वो आपको पे करना ही होगा, आपकी फैक्ट्री ना भी चल रही हो, आप कुछ प्रोड्यूस ना भी कर रहे हो, तो भी आपको देना होगा। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, आपने मान लीजिए 1,000 square meter के अंदर बेसिकली एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। अब हो सकता है पैंडेमिक की वजह से आपकी फैक्ट्री बंद पड़ गई हो, लेकिन प्रोडक्शन टैक्सेस हैं तो आपको हर महीने या हर साल जो भी उसका शेड्यूल है गवर्नमेंट को देने ही होंगे। इसी तरीके से दूसरी चीज है प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस होता है बेसिकली कि जितनी चीज आप बनाएंगे उस प्रोडक्ट के हिसाब से बेसिकली वो टैक्सेस लगेंगे। तो प्रोडक्शन टैक्सेस होगा ओवरऑल जो टैक्सेस लग रहे हैं, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करें, चाहे 5,000 बनाए, चाहे 5 बनाए, टैक्स लगना ही है। और प्रोडक्ट टैक्सेस
कि जितने टैक्सेस कि एक पेन पे मान लीजिए एक रुपए का टैक्स लग रहा है, आपने 100 टैक्स बनाए, 100 पेन बनाए तो 100 रुपए का लग गया, 1000 बनाए तो 1000 लग गया। तो दो टाइप के अलग अलग टैक्सेस होते हैं। जीवीए जब हम निकालते हैं तो इसमें हम लेते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस या प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस। और इसके अलावा प्रोडक्शन टैक्सेस हो सकता है रेवेन्यूज हो सकता है, स्टैम्प्स हो सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, और टैक्स ऑन प्रोफेशन हो सकता है। तो इसको बेसिकली आप यूज करेंगे। इसी तरीके से जीवीए निकालने के लिए आप प्रोडक्शन सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि गवर्नमेंट हो सकता है बेसिकली आपको सब्सिडीज दे, जैसे गवर्नमेंट रेलवेज को सब्सिडीज देती है, या फार्मर्स को यूरिया और इनपुट्स पे सब्सिडीज देती है, या विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज मिलती हैं कॉर्पोरेशंस को और कॉपरेटिव्स को। तो ये पैसा क्योंकि गवर्नमेंट आपको देता है या आपके पास छोड़ देता है तो इस सब्सिडी को आप ऐड कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जीवीए कैसे निकाला जाए ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे वैल्यू एडिशन किस किस बेसिकली स्टेज पे होगा। अब ये जो वैल्यू एडिशन है और किस तरीके से बेसिकली जीवीए को कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए 21 के ऊपर एनुअल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के फॉर्म्स बेसिकली अवेलेबल हैं, जहां पे आप सारे सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, आप उन फॉर्म्स को लेके वहां से इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, जिससे आप जीवीए क्लियरली निकाल सकते हैं दोस्तों। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे समझा जाए कि अगर आपको यह निकालना है कि जीवीए एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का कितना रहा तो कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपको बनाना है व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर मतलब बेसिकली आटा, और आटा किससे बनेगा, व्हीट से। आपको गेहूं चाहिए सबसे पहले। आप कहते हैं कि 1 किलो मैंने आटा बनाया, व्हीट फ्लोर बनाया, उसकी बेसिक प्राइस मतलब जीवीए एट बेसिक प्राइस मेरा है 80 रुपीज। मतलब जब फैक्ट्री से आटा बन के फाइनल प्रोडक्ट बन गया आटा या व्हीट फ्लोर, तो उसकी फाइनल प्राइस कितनी है, 80 रुपीज। तो आउटपुट कितना हो गया, 80 रुपीज। लेकिन इस व्हीट फ्लोर को बनाने में कई चीजें आपको यूज करनी होंगी, जैसे कि व्हीट यूज करना होगा, गेहूं, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यूज करनी होगी इनपुट की तरह, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, व्हीट नहीं होगा, तो फाइनल 80 रुपए का व्हीट कैसे बनेगा। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किसी और सेक्टर का आउटपुट होगा, मतलब इस व्हीट फ्लोर बनाने की इंडस्ट्री के लिए तो इनपुट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन पावर इंडस्ट्री है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, थर्मल पावर इंडस्ट्री है, उसका ये आउटपुट होगा, मतलब थर्मल पावर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये फाइनल प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप व्हीट फ्लोर बनाने में इनपुट की तरह यूज करेंगे। इसी तरीके से जो व्हीट है, व्हीट एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट होगा। तो ये हो सकता है कि 80 रुपए का जो आपको व्हीट फ्लोर बना उसमें से हो सकता है 10 रुपए तो व्हीट के ही हो, मतलब गेहूं के ही हो, और 20 रुपए हो सकता है आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली आप यूज कर रहे हैं उसमें उसके हो। तो इसका मतलब 80 रुपए का आपने प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन 10 रुपए व्हीट के और 20 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के तो पहले से ही आपके पास मौजूद थे। तो आपने व्हीट फ्लोर बनाने की इंडस्ट्री में नेट वैल्यूएशन कितना किया, भाई 80 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट बना, 10 और 20 30 रुपए का तो आपके पास पहले से ही मटीरियल इनपुट अवेलेबल था। तो 80 में से आप जो पहले अवेलेबल जितना इनपुट मटीरियल था उसको घटा देंगे तो आपके पास जो 50 रुपीज रहेगा, 80 माइनस 30, 50 रुपीज को आप कहेंगे नेट वैल्यू एडिशन, या बेसिकली कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो इस तरीके से आप एक एक चीज, एक एक सेक्टर, एक एक इंडस्ट्री, एक एक प्रोडक्ट का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालेंगे, और लास्ट में आप इन सारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन को हर सेक्टर के बेसिकली एड कर देंगे, तो उन चीजों से आपका पूरा इकोनॉमी का उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल ग्रॉस वैल्यूएशन कितना रहा वो निकलकर आ जाएगा। इसमें अच्छी चीज ये है कि इसमें फाइनल उस स्टेज में कितना वैल्यूएशन हुआ सिर्फ उसी को देख रहे हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि व्हीट फ्लोर बनाने में 80 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट मेरा बना, और आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि उस व्हीट फ्लोर को बनाने में जो इनपुट कॉस्ट है वीट की और इलेक्ट्रिसिटी की वो कितनी थी, अगर आप ये नहीं घटाते हैं तो आप डुप्लीसिटी कर जाएंगे। आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी 20 रुपए की निकली, आप उस 20 रुपीज को भी बेसिकली इसमें जोड़ लेंगे, और सच्चाई तो ये है
कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का 20 रुपए आउटपुट रहा, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का जीवीए 20 रुपीज कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर का आपने वीट सप्लाई किया तो उसका जीवीए 10 रुपीज कर दिया। इन दोनों चीजों को इनपुट की तरह यूज करके आपने जब वीट फ्लोर बनाया तो वीट फ्लोर इंडस्ट्री का हो गया 80 - 10 - 20 - 50। तो यह बेसिकली निकलकर आ गया आपका जीवीए। दोस्तों अब प्रोडक्शन टैक्सेस की हम बात कर चुके, लैंड रेवेन्यू, स्टैंप्स, रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स ऑन प्रोफेशन, इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन टैक्सेस। इसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडीज, रेलवेज है, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स हैं, विलेज हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज टू कॉर्पोरेट्स हैं, इन सबको कहा जाएगा बेसिकली प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो सबसे पहले आप देखेंगे टोटल जीवीए, फिर आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में, चलिए एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कार बना रहे हैं और कार बनाने में मान लीजिए 3 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं, उसकी चेसिस, मान लीजिए चेसिस, उसमें आप फिर इंजन और टायर्स, तो ये 3 चीजें आपकी आई असेंबली लाइन में, और इन तीन चीजों को जोड़ के आपने अल्टीमेटली 20 लाख रुपए की कार बना दी। लेकिन मान लीजिए उस चेसिस की वैल्यू पहले से ही 10 लाख रुपए थी, टायर्स की वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपए थी और इंजन की वैल्यू मान लीजिए 3 लाख रुपए थी, तो टायर इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया टायर और चेसिस इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया चेसिस और इंजन इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया इंजन। तो वो वैल्यू तो आपके पास पहले से ही थी, आपने अपनी फैक्ट्री में उन तीनों को जोड़कर उसका पेंटिंग वेंटिंग करके, नट बोल्ट कस के, फैंसी डिजाइन देके, सीट्स लगा के एटसेट्रा, उसमें कितना बेसिकली वैल्यूएशन किया, फाइनल प्रोडक्ट 20 लाख का है लेकिन 10 लाख की चेसिस, 2 लाख के टायर्स और 3 लाख के इंजन, तो 15 लाख का तो आपके पास पहले से इनपुट है। तो जो टोटल वैल्यूएशन हुआ फैक्ट्री में वो सिर्फ हुआ 5 लाख का। तो इस तरीके से आपने देखा कि टायर इंडस्ट्री में वैल्यूएशन हुआ 2 लाख का, चेसिस इंडस्ट्री में बेसिकली हुआ 10 लाख का, इंजन इंडस्ट्री में हुआ 3 लाख का, तो वो जुड़ गया 15 लाख, 5 लाख का हुआ मेरा असेंबली लाइन या मेरी फैक्ट्री में। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जीवीए कितना हो गया सब चीज मिला के 20 लाख। और इस तरीके से इसमें आप जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, मतलब कि जब आप ये चीजें बना रहे होंगे हर स्टेज पे, तो इसमें आपके जो टूल्स यूज रहे होंगे, डेप्रिसिएशन हो रहा होगा, उसको भी एडजस्ट कर लें, तो आपका नेट बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकलकर सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है इन 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हर स्टेज पे आप किस तरीके से वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इंटरमीडिएट स्टेजेस पे वैल्यू एडिशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप फाइनल स्टेज पे करेंगे कि अब इसके बाद और कुछ बन नहीं सकता। टायर इंडस्ट्री का आउटपुट क्या रहेगा, टायर इंडस्ट्री टायर के आगे कुछ नहीं बना पाएगी, चेसिस इंडस्ट्री चेसिस के आगे कुछ नहीं बना पाएगी, इंजन इंडस्ट्री इंजन के बाद उसमें कुछ नहीं वैल्यू एडिशन कर पाएगी, तो उनका यह फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उनका फाइनल प्रोडक्ट हमारे लिए इनिशियल प्रोडक्ट हो गया, इनपुट हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट उनको जोड़कर कार बनाना है। तो उनके फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू और हमारे फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों का आप घटा देंगे तो आपने जितना वैल्यूएशन किया अपनी स्टेज पे वो क्लियरली आपके पास निकलकर आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि जीवीए का कॉन्सेप्ट अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इस जीवीए के कॉन्सेप्ट, ग्रॉस वैल्यूएशन, और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हो उसके 2 मेथड्स हैं, एक तो डिमांड साइड और दूसरा सप्लाई साइड। मतलब अगर मुझे किसी चीज की डिमांड है, हाउस होल्ड को डिमांड है कि एसी की डिमांड है, कूलर की डिमांड है, कार्स की डिमांड है, तो इंडस्ट्रीज हमारी उनको सप्लाई करने लग जाएंगी। तो जो सप्लाई साइड है उसमें आप क्या करते हैं, अभी जीवीए के हिसाब से आप उसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिकली देख लेते हैं कि कार्स में जीवीए कितना हो गया, कंप्यूटर्स में जीवीए कितना हो गया, फ्रिज में कितना हो गया, एसी में कितना हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप चाहे इनकम ऐड कर लें, चाहे प्रोडक्ट ऐड कर लें, चाहे एक्सपेंडिचर ऐड कर लें, तीनों से सेम ही चीज निकलकर आएगी दोस्तों। जीडीपी बेसिकली हमें कंपैरेटिव स्टडीज में हेल्प करता है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम खुद भी बेसिकली कंपेयर करना चाहें कि हमारे इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो एक अच्छा क्वांटिटेटिव इनसाइट हमें जीडीपी से मिल जाता है। लेकिन जीवीए एक ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। जीवीए हमें
ओवरऑल ग्रोथ के अलावा यह भी बताएगा कि कौन कौन सा हमारा सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हमें यह भी पता लग जाएगा कि हमारी इंडस्ट्री ठीक नहीं कर रही है, हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा हो सकता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा हो सकता है हमारा सर्विसेज सेक्टर ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप सेक्टर वाइज जीवीए बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। तो ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ब्रॉड बेस्ड बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इस वजह से जीवीए के कॉन्सेप्ट को जीडीपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रेफर किया जाता है दोस्तों। अब ये जो कन्वेंशनल दो कॉन्सेप्ट हो गए जीडीपी और जीवीए, इसके अलावा एक थर्ड नया कॉन्सेप्ट अभी कंसिडर किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, जिसको कहा जाता है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस मेथड। मतलब अभी हमारा फिक्स बेस है कि चाहे जीडीपी हो जीवीए हो, हमने कहा कि 2011-12 हमारा बेसिकली बेस ईयर रहेगा, उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा वैल्यू एडिशन या उसकी जो हमने चीजें बनाई, प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाए, उनकी टोटल वैल्यू को। और इस वजह से 2021 आप समझ लीजिए, अभी भी हम 2011 की प्राइसेस को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा आउटडेटेड सा मेथड है? हो सकता है पिछले 10 साल में 2021 और 2011 के बीच में बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में चेंज हो गई हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंज हो गए हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज बढ़ गया हो, सर्विसेज का कम हो गया हो, या हो सकता है सर्विसेज का बढ़ गया हो, मैन्युफैक्चरिंग का कम हो गया हो, या इकोनॉमी का बेसिकली आपका एग्रीकल्चर का हो सकता है इसमें चेंज हो गया हो, या इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी जो अलग अलग सब सेक्टर्स हैं उनका वेटेज या उनका स्ट्रक्चर बेसिकली चेंज हो गया हो। तो जीवीए भी ऐसा लगता है कि जीडीपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हालांकि एक इंप्रूवमेंट है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स को आप कंपेयर करते हैं, नेट वैल्यू एडिशन आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यह भी अभी पुराना बेसिकली फिक्स्ड बेस के ऊपर बेस्ड है। तो एक ऑब्सोलीट सा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ये हमको दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो क्यों ना इसको हर साल लेटेस्ट रखने के लिए जो ये फिक्स्ड बेस्ड है इससे अब आगे बढ़ा जाए चेन बेस्ड, मतलब एक चेन बन जाए कि हर साल हम पिछले साल से ही कंपेयर करें, ना कि 10 साल पहले जो हमारा फिक्स्ड बेस है उससे। और ये जो चेन बेस्ड मेथड है इसको बेसिकली अब कंसिडर किया जा रहा है। जो चेन बेस्ड मेथड है इसमें जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सर्विसेज है, इनको जो भी हमने वेटेज दे रखा है हमारी टोटल इकोनॉमी को कैलकुलेट करने में, वो हर साल हम रिवाइज करेंगे, हर साल उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो वेट्स हमने असाइन कर रखे हैं उसको बेसिकली हम रीअसाइन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो हमारे जीवीए कैलकुलेशन हो या जीडीपी कैलकुलेशन हो इस चेन बेस्ड मेथड के कारण हर साल एकदम लेटेस्ट रहे, ग्रेटेस्ट रहे, एकदम एग्जैक्ट नए नंबर्स हमारे पास हमेशा रहें। और इसका फायदा यह होगा कि 10 साल पुराना एक फिक्स बेस यूज करने के बजाय अगर हम लेटेस्ट ईयर यूज करेंगे, पिछला साल यूज करेंगे, तो इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं हर साल वो इमीडिएटली बेसिकली कैप्चर किए जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कुछ नए आइटम्स मार्केट में आ रहे हैं, नई फर्म्स बेसिकली अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी हैं, तो उनका जो आउटपुट होगा या उनका जो डेटा होगा उसको भी हम इमीडिएटली कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। वरना भी ऐसा लगता है कि हर 5 साल में बेस ईयर चेंज होता है, लेकिन उसका डेटा आते आते, उसको कैप्चर करते करते, एनालाइज करते करते 7 से 8 से 10 साल तक लग जाते हैं दोस्तों। तो ये जो चेन बेस्ड मेथड है, ये फिक्स्ड बेस्ड मेथड जो है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर और इंप्रूव्ड वर्जन दिखाई देता है। और ये हमें इसमें भी हेल्प करेगा कि क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट बेटर पिक्चर देगा हमारी इकोनॉमी की, तो हम इजीली जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या दूसरे कंट्री जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी में, उनके साथ बेटर कॉम्पीट कर पाएंगे। और अगर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे अपनी इकोनॉमी में, अपनी पॉलिसी में, क्योंकि जल्दी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट की जरूरत है, इसको हो सकता है सब्सिडीज की जरूरत हो, पॉलिसी ट्वीक की जरूरत हो, या किसी ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत हो, या एक्सपोर्ट मार्केट्स हमें ढूंढने पड़े या डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना पड़े, तो वो रेमेडियल मेजर्स भी, करेक्टिव मेजर्स भी आप बहुत जल्दी ले पाएंगे। वहीं फिक्स बेस मेथड में 8 साल बाद आपको पता लगेगा कि आपने जो पॉलिसी उस वक्त चूज की उसका एक्चुअली इंपैक्ट क्या हो रहा है। तब तक हो सकता है कि इकोनॉमी फिर से स्ट्रक्चरली किसी ना किसी चेंजेस के थ्रू चली गई हो दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हो गया अब हमारा जीडीपी से जीवीए, और जीवीए से जो हमारा फिक्स बेस्ड मेथड है उससे चेन बेस्ड मेथड पे हम कैसे मूव कर सकते हैं,
क्या उसके अंदर एग्जैक्ट चेंजेस हैं और किस तरीके से वो एक बेटर तरीका हो सकता है हमारे वैल्यू एडिशन को, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेसिकली कैलकुलेट करने का। अब हम बात करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है GNDI, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा ये बताइए डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा कि फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम तो इतनी ही है। डिस्पोजेबल इनकम है कि किसी भी एंटिटी की, चाहे उसमें इंडिविजुअल्स हों, हाउस होल्ड्स हों, कंपनीज हों, कंट्रीज हों, उनके पास नेट इनकम कितनी है जिसको वो खर्च कर सके, डिस्पोज कर सके, स्पेंड कर सके। इसका मतलब अगर डिस्पोजेबल इनकम मुझे मैथमेटिकली एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करनी होगी तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि जो हमारी इनकम स्पेंडिंग के लिए अवेलेबल है और जो इनकम हमने सेव कर रखी है, बैंक्स में सेविंग हो सकती है, अपने किसी पिगी बैंक में सेव हो सकता है, तो जो हमारे पास खर्च करने के लिए हमने बाहर निकाल रखा है, जो हमारी सेविंग है, मतलब इतना ही तो टोटल पैसा है हमारे पास, इस पैसे को जो हम डिस्पोज ऑफ कर सके, स्पेंड कर सके, इसको कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीना है जिसमें से आपने सोचा कि 4,000 रुपए मैं घर चलाऊंगा और 6,000 रुपए मैं अपने सेविंग करके बैंक में रख दूंगा या किसी कॉपरेटिव सोसाइटी में लगा दूंगा, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी? टोटल 10,000, क्योंकि 4,000 आपने अपने घर खर्च के लिए निकाला और 6,000 आपने सेविंग्स में रखा। तो जितनी भी इनकम आपके पास डिस्पोजेबल या डिस्पोज करने के लिए अवेलेबल है, स्पेंड करने के लिए अवेलेबल है, उसको कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। और जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ये बेसिकली जितनी भी इनकम अवेलेबल है टोटल इकोनॉमी की फाइनल कंजम्पशन के लिए और उसमें सेविंग्स आप ऐड कर दें पूरे नेशन की, इसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसी तरीके से जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है इसका मतलब है कि आप सारे डिस्पोजेबल इनकम का सम कर ले, जितनी भी रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स और सेक्टर्स हैं, मतलब जो हमारे कंट्री के अंडर है नेट, उसको बेसिकली आप कहेंगे नेट डिस्पोजेबल इनकम। अब जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है जिसको NNDI कहा जाता है, तो NNDI का मतलब है कि NNI मतलब नेट नेशनल इनकम प्लस कोई भी करंट ट्रांसफर्स हो बेसिकली हमारा, उसको अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है GNDI उससे निकलकर आ जाएगा NNDI। अब एक और नया कॉन्सेप्ट जिसको कहेंगे कि ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट GDIG। अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि अभी तक तो हमने डिस्पोजेबल इनकम देखी पूरे नेशन की, उसी तरीके से अगर हमें सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम देखनी है सिर्फ गवर्नमेंट की, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है जो कि गवर्नमेंट के पास बेसिकली अवेलेबल है उसकी स्पेंडिंग के लिए, उसको कहा जाएगा ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से अगर हम देखें ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स, भाई हमने ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द नेशन देख लिया कि पूरे नेशन के पास कितना स्पेंड करने के लिए है, डिस्पोज करने के लिए है, स्पेंड करने के लिए जो है प्लस सेविंग करने के लिए, इस तरीके से गवर्नमेंट का और इसी तरीके से एग्जैक्टली बेसिकली हाउसहोल्ड का, कि ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड्स होगा कि जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें से अगर आप ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट और ग्रॉस सेविंग्स ऑफ ऑल कॉर्पोरेशंस इसको घटा देंगे, भाई किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में हमने देखा कि तीन ही तो की प्लेयर्स हैं। कौन कौन है वो की प्लेयर्स? इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस या बिजनेसेस। तो जो भी हमारी नेशनल इनकम है या जो भी हमारी डिस्पोजेबल बेसिकली इनकम है ग्रॉस, उसमें से अगर आप गवर्नमेंट की डिस्पोजेबल इनकम और कॉर्पोरेशंस के डिस्पोजेबल इनकम को बेसिकली आप हटा देंगे तो हाउसहोल्ड्स की या इंडिविजुअल्स की बेसिकली जो डिस्पोजेबल इनकम जिसको GDIHP कहा जाता है आपके सामने निकल के आ जाएगी। इसका मतलब GDIH इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट माइनस ग्रॉस सेविंग्स ऑफ ऑल कॉर्पोरेशंस। तो दोस्तों ये जरा बात हो गई डिस्पोजेबल इनकम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सा नोन कीवर्ड GDP डिफ्लेटर, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। होता क्या है GDP डिफ्लेटर? जो GDP डिफ्लेटर है ये बेसिकली हमको बताता है कि जो प्राइसेस हैं हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और सर्विसेज की
वो किस तरीके से उनकी ओवरऑल जो प्राइस है वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर आप देख लें तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जो नॉमिनल जीडीपी है उसको आप डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी से इनटू 100। इसका मतलब समझ के देखिए, मान लीजिए हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 14,300 है और मान लीजिए रियल जीडीपी उसमें से आप इन्फ्लेशन अगर घटा देंगे, नॉमिनल जीडीपी में से अगर आप इन्फ्लेशन को घटा देंगे तो रियल जीडीपी निकल कर आ जाएगी और रियल जीडीपी आपकी है लेट से 11,000। तो डिफ्लेटर कितना होगा? डिफ्लेटर आपका हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितनी थी आपकी 14,300 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, रियल जीडीपी कितनी आपकी 11,000 इनटू 100। तो ये निकल के आगे मान लीजिए 130। इसका मतलब जो प्राइस है वो रफली 130%। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले, या अगर आप नॉमिनल जीडीपी में आप क्या होता है इन्फ्लेशन को अलग नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूडेड होता है, तो इस वजह से आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी जब निकालना होता है तो आप उसमें से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं और इस कारण आपका रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से हमेशा कम रहता है। तो डिफ्लेशन आप या जीडीपी डिफ्लेटर आपका हो गया बेसिकली 130। इसका मतलब कि आपका जो प्राइस राइज हुआ उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2008-09 में, अगर हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कंपेयर करें तो रफली 30% प्राइस राइज हुआ, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत चिंता का विषय हो सकता है। प्राइस राइज हुआ मतलब वो आपका बेसिकली एक तरीके से इनडायरेक्टली आपका इन्फ्लेशन 30% हो गया और आरबीआई की पॉलिसी है कि 4% प्लस माइनस 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें जो ओवरऑल राइज होता है प्राइस में उसके बारे में एक इंडिकेशन देता है। तो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी मान लीजिए निकालना हो तो रियल जीडीपी निकल आएगी अगर हम नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर देंगे। मतलब रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी बाय जीडीपी डिफ्लेटर। दोस्तों अब एक और कॉन्सेप्ट, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सबसे पहले हम समझ लें कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है बेसिकली रेशियो कैपिटल और आउटपुट के बीच का। इसका मतलब कि कोई भी चीज आपको बनानी है, मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन बनाना है, मान लीजिए आपको एक टीवी बनाना है, पंखा बनाना है, फ्रिज बनाना है, तो वो एक चीज बनाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की जरूरत है। मान लीजिए हो सकता है एक मोबाइल फोन बनाने के लिए आपको निकल के आएगी 10,000 रुपए की जरूरत है, जिसमें आपके लेबर इंक्लूडेड है, आपका लैंड का रेंट कितना होगा, आपकी असेंबली लाइन कितनी होगी, लेबर कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा। तो जो बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो हो गया आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना क्या होता है, इसका मतलब कि अगर मुझे एक और चीज बनानी है तो उसके लिए मुझे एडिशनल बेसिकली कितना कैपिटल की जरूरत होगी। तो मान लीजिए आपने समोसे की फैक्ट्री लगाई और मान लीजिए समोसे की जब आपने फैक्ट्री लगाई तो शुरुआत में चाहे आप एक समोसा बनाएं चाहे 1,00,000 समोसे बनाएं, उसके लिए आपको लैंड लेनी होगी, फैक्ट्री लगानी होगी, असेंबली लाइंस लगानी होंगी और जो भी इक्विपमेंट चाहिए आपको लगाना होगा। लेकिन मान लीजिए आपने उसमें 1,00,000 समोसे बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मान लीजिए शुरुआत में आपने सिर्फ उसमें 10,000 समोसे बनाना शुरू किया तो जो पर समोसे की कॉस्ट है वो शायद काफी ज्यादा निकल कर आए, क्योंकि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है कि भाई आप 10 समोसे बनाए चाहे 10,00,000 समोसे बनाए, आपको लैंड तो लेनी ही होगी, आपको इक्विपमेंट भी लगाना होगा कुछ हद तक प्रोपोर्शनेटली, और इस वजह से 10,000 के ऊपर मान लीजिए आपको 11,000 समोसा बनाना है या 10,001 समोसा बनाना है, तो उस एक्स्ट्रा एक समोसे के लिए हो सकता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगे वो बहुत कम निकल कर आए, क्योंकि बाकी जो फिक्स चीजें आपको लगानी थी वो तो शुरू में आप लगा ही चुके। अब चाहे आप उसमें से 2,000 समोसे और बनाए, 5,000 समोसे और बनाए, 10,000 समोसे और बनाए, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है आपको एक्स्ट्रा तेल लगे, एक्स्ट्रा आलू लगे, एक्स्ट्रा प्याज लगे, उसके अलावा हो सकता है आपको
थोड़ा बहुत लेबर एक्स्ट्रा वहां पे लगाना पड़े, लेकिन बाकी फिक्स्ड कॉस्टिंग तो है ही है। यही चीज मान लीजिए आप बोलते हैं कि 10,000 के बजाय अब मुझे 10,00,000 समोसे बनाना शुरू करना है, तो फिर यह हो सकता है कि यह आपकी फैक्ट्री छोटी पड़ जाए, आपको एक्स्ट्रा लैंड खरीदनी पड़े, आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना पड़े, आपको एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़े। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी एक और यूनिट बनाने के लिए, उसको कहा जाएगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया कि एक चीज बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग चाहिए, और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया कि एक और एडिशनल चीज बनाने के लिए मुझे कितनी एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आज हमने इस लेक्चर के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल डिस्कशन हो जाए कि अगर हम इंडिया की बात देखें तो इंडिया में जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स, मतलब आजादी से पहले से किस तरीके से शुरू हुआ दोस्तों। तो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे तो जो फेमस बेसिकली वर्क है श्री दादा भाई नरोजी का 1868 का, जब उन्होंने बेसिकली एक बहुत फेमस बुक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके हिसाब से उस वक्त उन्होंने पर कैपिटा जो इनकम निकाली इंडियंस की रफली 20 रुपीज बेसिकली कैलकुलेट की। उसके बाद फिंडले शिराज ने 1911 में कैलकुलेट की -49 रुपीज, मतलब हमारा बेसिकली ड्रेन हो रहा था, कैपिटल ड्रेन हो रहा था हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके कंट्री में। उसके बाद वाडिया और जोशी ने 1913 से 1914 में निकाली -44.30 रुपीज। उसके बाद डॉक्टर वी के आर वी राव ने बेसिकली कैलकुलेट की पर कैपिटल इनकम 76 रुपीज 1925-1929 में। इनफैक्ट जो डॉक्टर वी के आर वी राव हैं, इनको बेसिकली कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम साइंटिफिकली विद प्रॉपर मेथड। इससे पहले जो एस्टिमेशन थे शायद वो इतने साइंटिफिक नहीं थे दोस्तों। उसके बाद कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल इनकम कमिटी फॉर्म की गई 1949 में, जिनके चेयरमैन कौन बने होंगे, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, पीसी महलनोबिस। और इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट बेसिकली सबमिट की 1951 में और उसके बाद फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट की 1954 में। और उनके हिसाब से 1951-54 के आसपास की हमारी पर कैपिटा इनकम थी रफली 246.90 रुपीस। उसके बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO बनाया गया और CSO ने पहली बार 1956 में बेसिकली इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट की, जिसका बेस ईयर रखा गया 1948-49। और उसके बाद बेस ईयर लगभग 7 डिफरेंट टाइम्स चेंज हो चुका है, 7 बार बदला जा चुका है। तो सबसे पहले 1948-49, उसके बाद 1960-61, फिर 70-71, फिर 80-81, फिर 93-94, फिर 99-2000, उसके बाद 2004-05, और जनवरी 2015 में बेस ईयर हमने क्या चेंज कर दिया, 2011 एंड बेसिकली 2012। अब दो तीन छोटी छोटी टर्म्स और उसके बाद आज का चैप्टर हम क्लोज आउट करेंगे दोस्तों। आपने नाम सुना होगा IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बहुत बार न्यूज में आता है कि IIP इस बार इतना रहा, 50% रहा, 60% रहा, या जो भी नंबर रहा हो। IIP होता क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है? IIP बेसिकली कैलकुलेट करता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इंडिया में उसकी ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है। यह बेसिकली इंडस्ट्रीज को कई कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स में। इन हर पर्टिकुलर सेक्टर में ये कैलकुलेट करता है, क्योंकि इनको कोर सेक्टर समझा जाता है, कि कितना ग्रोथ रेट इन पे बेसिकली हुआ। इसके अलावा इसमें यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होता है कि बेसिक गुड्स इसमें क्या रही, इंटरमीडिएट गुड्स क्या रही और कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या रही। ये जो IIP का कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हमें हेल्प करता है GDP को प्रिडिक्ट करने में, और किस तरीके से कौन कौन सा सेक्टर किस किस तरीके से GDP ग्रोथ में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है। IIP सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हर महीने रिलीज करता है, और इसका बेस ईयर क्या होगा, जो हमारे GVA GDP का बेस ईयर है 2011 एंड 2012। इस तरीके से आपने एक और टर्म सुनी होगी, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको PMI भी कहा जाता है। निकी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI हर महीने बेसिकली पब्लिश किया जाता है और ये कंपाइल किया जाता है IHS मार्केट के द्वारा।
ये जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये बेसिकली प्रिडिक्ट करता है एडवांस में कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन लेवल अगले महीने, अगले तीन महीने, अगले छह महीने, साल भर में क्या रहेगा। इनफैक्ट ये कई सारे बेसिकली पैरामीटर्स को ट्रैक करता है कि नए ऑर्डर्स का फ्लो क्या है, आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, या जो आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं उनका डिलीवरी टाइम क्या है, अभी स्टॉक कितना मेंटेन हो रहा है। और इसको करने के लिए 400 से ज्यादा कंपनीज को इंडिया में सर्वे किया जाता है। और ये इंडेक्स पीएमआई अगर 50 से ऊपर है तो इसका मतलब कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा। और अगर 50 से नीचे है तो मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या श्रिंक करेगा। और IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज पीएमआई को बेसिकली पब्लिश करता है हर महीने। जो सर्विसेज पीएमआई है ये बेसिकली करती है कि सर्विसेज का लेवल क्या रहेगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की बेसिकली 400 कंपनी सर्वे की थी कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई किस तरीके से निकलकर आ रहा है, उसी तरीके से सर्विसेज पीएमआई कैलकुलेट करने के लिए 400 से भी ज्यादा इंडियन कंपनीज को सर्वे किया जाता है। और जैसा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का था कि 50 से ऊपर, 50 से ऊपर अगर आए तो मतलब कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड कर रहा है, 50 से नीचे आए हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से 50 से ऊपर अगर सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई निकल के आए मतलब हमारा सर्विस सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है, और 50 से बेसिकली अगर नीचे निकल के आए इसका मतलब हमारा सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दोस्तों अब स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में एक हाई लेवल स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जिसको SCES भी कहा जाता है, और इसके हेड हैं एक्स चीफ स्टैटिस्टिशियन श्री प्रणब सेन। ये 28 लोगों की बेसिकली एक ब्रॉड बेस्ड कमिटी बनाई गई है जिसमें UNO, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट, इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसका मैंडेट है बहुत ही वाइड रेंज कि ये अलग अलग डेटा सेट्स को एनालाइज करें और गवर्नमेंट को बेसिकली अपनी रिकमेंडेशंस दें। जैसे कौन कौन से डेटा सेट्स को एनालाइज करेंगे, ये एनालाइज करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइज, एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेस, टाइम यूज सर्वे, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सेंसस, और बाकी भी अगर स्टैटिस्टिकल सर्वे निकल करके आते हैं उन सारे डेटा को बेसिकली एनालाइज करेंगे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी उनको गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे ताकि गवर्नमेंट उसमें अपने हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक कर सके। ये जो नया पैनल बना है, ओवरआर्किंग पैनल है 28 मेंबर्स का, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें जितनी भी बेसिकली स्टैंडिंग कमिटीज थी पहले की, चाहे वो लेबर की हो, इंडस्ट्री की हो, सर्विसेज की हो, उन सभी को इसमें सब्स्यूम कर दिया है। दोस्तों अब लास्ट में एक लास्ट बात हो जाए कि 2020-21 में इंडियन इकोनॉमी कहां स्टैंड करती है। अब जो पैंडेमिक ने हिट किया 2020 में, उसकी वजह से इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर सभी कंट्रीज को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अगर आप जीडीपी की बात देख लें तो जीडीपी के हिसाब से इंडिया की जीडीपी है अभी 134.4 लाख करोड़, किस पे? कांस्टेंट प्राइसेस पे। और रफली अगर आप देखें एक नेगेटिव ग्रोथ रेट हमको मिलती है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑफ 7.7%। अगर इसको आप पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें मतलब 2019-20 तो तब 4.2% का हमको पॉजिटिव बेसिकली ग्रोथ मिला था। दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से अगर आप देखें तो 123.4 लाख करोड़, कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से, इसके हिसाब से भी हमको 7.2% का नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि 2019-20 में पॉजिटिव 3.9% था। दोस्तों तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इकोनॉमी का ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने, किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होता है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, क्यों उसको कैलकुलेट किया जाता है, किन तरीके से आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या अलग अलग फीचर्स हैं उस कैलकुलेशन के, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, पुरानी सीरीज क्या हुआ करती थी, नई सीरीज जीवीए की बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको हमने समझने की भी कोशिश की। उसके अलावा हमने पीएमआई का कॉन्सेप्ट समझा, हमने आईसीओआर का कॉन्सेप्ट समझा, और फिर लास्ट में हमने समझा कि अभी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेटस है। दोस्तों आज का लेक्चर आपको मुझे उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर लेक्चर नंबर 3,
जो कि बेस्ड होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर. सो स्टे ट्यून्ड फॉर अवर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी. अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत.